पुष्पानंदनी श्री राधा रानी जी की पंची कृपा से भगवान की वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप इस दिव्य महापुराण का हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान जी से प्रेम हो जाए इसलिए भागवत सुनते हैं और भागवत जी से प्रेम हो जाए इसलिए महात्म्य सुनते हैं। रुक्मिणी जी भगवान जी को पत्र लिखती हैं, कभी द्वारिकाधीश जी से मिले नहीं थे, केवल उनकी चर्चा सुनी थी और चर्चा सुनकर के ही उन्हें भगवान से प्रेम हो गया है। रुक्मिणी जी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणां भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो गतापम रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं वै अच्युता विशति चेत्रमपत्रपमे। श्रुत्वा सुन करके ही रुक्मिणी जी को भगवान जी से प्रेम हुआ, बिना देखे बिना मिले। ऐसे ही हम सब भी यदि भगवान की कथा सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें तो निश्चित रूप से हम भी भगवान जी से प्रेम कर सकते हैं, प्रेम हो सकता है, प्रेम है भी वो और पुष्ट हो जाएगा। जिस महापुराण का हम श्रवण करने बैठे हैं ये वो कथा है जिसे देवता अमृत का कलश देकर के भी प्राप्त नहीं कर सके थे, जिसे श्रवण नहीं कर सके थे। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहे त्वैव देवास्तत्र समागमं। देवता अमृत का कलश लेके आए जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, प्रारंभ ही कर रहे थे और एक प्रस्ताव रखा विनिमय का, अदला बदली का, कि हम परीक्षित को अमृत पिलाने को तैयार हैं क्योंकि ये 7 दिन में मरने वाला है, मृत्यु का भय है। सुखदेव जी ने कहा, देवता इतने उदार तो नहीं है कि किसी मनुष्य को मरने लगे तो अमृत पिलाएं। तो मतलब पर आइए कि बदले में क्या चाहते हैं, तो कहा कथा को हम सुनना चाहते हैं। देवता कथा को मनुष्य लोग ना सुने, हम देवता लोग ही सुने और भले ही अमृत को हम देने को तैयार हैं। तो वस्तु विनिमय में कम महत्व की वस्तु को दे करके अधिक महत्व की वस्तु ली जाती है। देवताओं का अमृत यदि बहुत काम का होता उनके लिए तो अदला बदली करने नहीं आते, उसको संभाल के रखते हैं, माने अब वो किसी काम का नहीं रहा उनके लिए, एक बार पी लिए पर्याप्त है। परीक्षित जी एक क्षण की भी देरी नहीं करते हैं उस इस प्रस्ताव को ठुकराने में, तुम्हारा जो अमृत है इसको पीकर केवल शरीर पुष्ट हो सकता है, किसी को भक्ति की प्राप्ति हो जाए ज्ञान की प्राप्ति हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन भागवत कथामृत को पीकर के न जाने कितने लोग भक्त हो गए, ज्ञानी हो गए, वैराग्यवान हो गए और वैकुंठ जैसे अविनाशी लोग को प्राप्त हो गए और अमृत पीकर देवता स्वर्ग में ही बैठे हुए हैं, बहुत संतुष्ट हैं देवता, ऐसा भी नहीं है। एक बार देवताओं को पूछा गया कि आप लोग तो अपनी उपलब्धि पर बड़े संतुष्ट होंगे, स्वर्ग लोक मिला है और 30 करोड़ वर्ष के लिए मिलता है उनको, 71 चतुर्युगी तक लगभग है, तो बड़े संतुष्ट होंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं हम संतुष्ट नहीं है, अब पृथ्वी लोक में कोई किसी का निधन हो तो शोक पत्र में
यदि घोषित से घोषित भी पापी होगा तब भी फलाने का नरकवास होगा यह नहीं लिखवाएंगे, स्वर्गवास ही लिखवाएंगे। तो हम स्वर्ग जाने को एक उपलब्धि मानते हैं इसलिए ऐसा लिखवाते हैं, लेकिन स्वर्ग के जो स्थाई निवासी हैं देवता हैं उनसे पूछा गया आप तो संतुष्ट है ना, तो कहते नहीं नहीं, तो आप कहां जाना चाहते, बोले पृथ्वी लोग, और क्या बनना चाहते, बोले मनुष्य। तो 30 करोड़ वर्ष के लिए देवता बनने का सुख एक तरफ और क्षण भर के लिए मनुष्य बनने का सौभाग्य दूसरी तरफ हो तो हम मनुष्य बनना स्वीकार करेंगे। भागवत जी के ही पंचम स्कंध में ये बात आई है 18वें 19वें अध्याय में, भारतवर्ष की महिमा जहां पर आया है वहां ये प्रकरण आया है। तो ऐसी क्या खूबी है, विशेषता है मनुष्य शरीर में, बोले देवता रहेंगे 30 करोड़ साल तक तो लगभग निश्चित है मुक्ति नहीं होगी, सुखों को भोगेंगे स्वर्ग में, लेकिन मनुष्य बनकर अंतिम समय में सजग होकर सावधान होकर भगवत भाव से युक्त हो गए तो मुक्ति की संभावना तो है। तो क्षण भर के लिए मनुष्य हो गए तो मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन देवता बन के ही मुक्ति नहीं पा सकते, तो इसलिए हम मनुष्य बनना चाहते हैं। और जिनको 70-80 वर्ष 100 वर्ष के लिए मिला है वे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन देवता क्षण भर के लिए भी मनुष्य बनने को तैयार है और अपने देव लोक में जो सुखपूर्वक रहते हैं उसको त्यागने को तैयार है, इतनी बड़ी उपलब्धि है। तो भागवत जी को सुनना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, मनुष्य शरीर प्राप्त होने से भी बढ़ के, इसलिए देवता भागवत सुनने को मिले इसलिए भी मनुष्य शरीर चाहते हैं। तो भागवत कथा का जो मूल्य है वो अमृत से भी बहुत बढ़ के है, देवता अमृत देके भी इस कथा को प्राप्त नहीं कर सके। भक्ति ज्ञान वैराग्य इनकी कथा है महात्म्य में, पद्म पुराणों महात्म्य में, भागवत जी का महात्म्य 2 पुराणों में विशिष्ट रूप से है, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ उद्धव जी आदि की कथा है, और पद्म पुराणोक्त महात्म्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य और धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा है। भागवत जी का सर्वप्रथम उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को किया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया और नारद जी से कहा कि इसका विस्तार करो, जन जन में घर घर में भागवत जी का विस्तार हो, प्रचार हो। तो पिताजी की बात मान के नारद जी और भागवत जी के प्रचार का संकल्प लिए, इस कार्य को लिए हुए हैं, और भक्ति ज्ञान वैराग्य इस कार्य में नारद जी की सहायता करते हैं। कलयुग के दोषों से भक्ति ज्ञान वैराग्य जर्जर हुए, वृंदावन पहुंचे तो भक्ति महारानी तो पुष्ट हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य अभी भी वृद्ध ही रहे, जर्जर रहे, मूर्छित रहे, तो उनकी मूर्छा दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। वहीं पर नारद जी पहुंचे, बिल्कुल अनजान बन के पहुंचे, जबकि सब मिले हुए भीतर से। नारद जी को देखते ही भक्ति भरानी कहती है, भो भो साधो छलम कृष्ण मत चिंता मिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे देवर्षि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा आधा दुख दूर हो गया है और आपसे कुछ चर्चा होगी तो पूरा दुख दूर हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, तो आप कुछ देर यहां रुकिए। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, कासि तुम का विमोचे मां नार्य का पद्म लोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण। हे देवी, आप कौन हैं और आपको क्या दुख है, अपने दुख का कारण जो है या दुख है उसको विस्तार से कहिए।
कोई दुखी व्यक्ति हमारे निकट आए और अपनी कहानी सुनाने लगे तो हम कहते हैं अच्छा विस्तार से बताओ भैया क्या क्या हुआ है, इतना धैर्य होता है हमारे भीतर। हम कहते हैं सीधे मतलब पे आओ, हमसे क्या चाहते हैं। तो जो हमारी कहानी सुनने को तैयार नहीं, ये मान के चलिए कि वो हमारा हित ऐसे भी नहीं, वो सहायता भी नहीं करेगा। और जो हमारी कथा व्यथा सुन करके उबता नहीं है, धैर्य पूर्वक सुनता है, वही हमारा सच्चा हित है। नारद जी ने भी कहा विस्तार से कहो दुख किस बात का है। भक्ति महारानी कहती है अहम भक्ति दिख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नावानो काल योगे न जर जरो। का मैं भक्ति हूं और इसी नाम से बहुत विख्यात हूं और ये दोनों मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। काल योग कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। तो माता है वो युवावस्था में, पुत्र है वृद्धावस्था में, ऐसा विपरीत दृश्य कैसे हुआ। इसी को बता रही है कि कलयुग के दोषों से हम तीनों वृद्ध हो गए थे, लेकिन इस स्थान वृंदावन के प्रभाव से मैं पुष्ट हो गई। अब दोनों पुत्र भी स्वस्थ हो जाए इसी बात की चिंता है कि कैसे स्वस्थ होंगे। नारद जी यदि उनको सीधे सीधे भागवत सुना देते और वे स्वस्थ हो जाते तो लोग कहते वो तो गीता सुनाते तो भी स्वस्थ हो जाते, या वेद सुनाते तो भी स्वस्थ हो जाते, या उपनिषद सुनाते तो भी स्वस्थ हो जाते। तो भागवत जी की जिस महिमा को प्रकट करना चाहते हैं नारद जी, वो प्रकट नहीं हो पाता। तो कहा भागवत को ही छोड़ के बाकी सब सुना देता हूं। वेद वेदांत घोषय गीता पाठेर मुहुर मुह, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाया, लेकिन इनकी मूर्छा तक दूर नहीं हुई, जवान होना तो बहुत दूर की बात। तो नारद जी चिंतित हो गए। आसपास जो और महात्मा थे उनसे भी पूछा कि इनका दुख कैसे दूर होगा, कुछ सलाह दीजिए। लोगों ने कहा जिसका उत्तर आप नहीं जानते नारद जी हम कैसे बताएं, और किसी ने उत्तर नहीं दिया। ये बद्रीनाथ की ओर यात्रा की नारद जी, हरिद्वार से जब ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे थे तो ऊपर से सनत कुमार चारों भाई नीचे उतर रहे थे और इनकी भेंट हुई आपस में। सनत कुमार जी बड़े भाई भी हैं नारद जी के, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं सनत कुमार, और बाद में दसवें ग्यारहवें क्रम में नारद जी की उत्पत्ति हुई। सनत कुमारों को देखकर नारद जी ने अभिवादन किया, प्रणाम किया और कहा सदा वैकुंठ निलया हर कीर्तन तत्परा लीला रस रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। आप लोगों ने केवल 5 वर्ष का ही शरीर धारण किया हुआ है, कभी 6 वर्ष के नहीं होते, यद्यपि आप पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, यद्यपि पूर्वजों के भी आप पूर्वज हैं, फिर भी 5 साल के ही बने हुए, कभी 6 के नहीं होते। काल का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता और कथा मात्रैक जीविनः, केवल कथा कहने और सुनने के लिए ही आप लोगों ने जीवन धारण किया हुआ है। शरद कुमारों ने कहा तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो, बात क्या है। कहा भक्ति की चिंता है, ज्ञान वैराग्य की चिंता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है। कहा ठीक है, इसका भी समाधान है, भागवत जी को सुनाओ, उनको विश्वस्त हो जाएंगे। कहा आप ही सुना दीजिए। तो शरद कुमारों ने कथा सुनाई, नारद जी सुने, और बीमार लोग पड़े हैं वृंदावन में, चिकित्सा हो रही है हरिद्वार में, उनको बुलाया तक नहीं गया, कथा होने लगी। और जैसे ही कथा का प्रारंभ हुआ तो भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होकर के युवावस्था को प्राप्त होकर के भागवतार्थ भूषण भागवत जी के शब्दों से अक्षरों से श्रृंगार करके कथा पंडाल में पहुंच गए, नृत्य करते हुए पहुंचे। और एक दिन पहले बीमार पड़े हुए थे मूर्छित थे वृंदावन में, अब नाचते गाते हरिद्वार पहुंच गए। ये भागवत जी की महिमा है। अब वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य तो पुष्ट हो गए, लेकिन इसका हमें क्या लाभ, किसी व्यक्ति को निजी रूप से क्या लाभ। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी व्यष्टि रूप भी है और समष्टि रूप भी है, लघु रूप भी है, बृहद रूप भी है। तो हरिद्वार की कथा सुन के भक्ति ज्ञान वैराग्य का
जो समष्टि रूप है वो पुष्ट हुआ, लेकिन हम सबके हृदय में ये छोटी छोटी इकाई है भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की। जब तक ये स्वस्थ नहीं होंगे तब तक निजी रूप से हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमारे हृदय में जो भक्ति है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, आज वो किस अवस्था में है? जागृत है कि सुसुप्त है, युवा है कि वृद्ध है? यदि जागृत है, युवा है, तो विषयों को देख करके हमारा चित्त उसमें जाएगा नहीं, विचलित नहीं होगा। लेकिन चित्त अगर विषयों में जाता है, इसका मतलब हमारा जो ज्ञान है, वैराग्य है, अभी वो दृढ़ नहीं है, वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ। तो जो भी भागवत कथा को सुनते हैं उनके हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आकर के विराजमान हो जाते हैं, पुष्ट रूप में विराजमान होते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इनकी जो चिंता थी वो दूर हुई। इन्होंने पूछा भी कि हम कहाँ रहें जिससे दोबारा फिर से जर्जर न हो कलयुग में। तो शरद कुमारों ने, संतों ने कहा कि जहां भी कथा हो, जितने लोग श्रवण करने आए उनके हृदय में निवास करोगे तो कलयुग के दोषों से बच जाओगे। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कलयुग के दोषों से बचने के लिए हमारे हृदय में आके विराजमान होते हैं, जितने लोग कथा स्थल में आके बैठे हैं। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हमारे हृदय में आ जाए तो उसका भी हमें लाभ होगा। तो भागवत जी की महिमा यहाँ प्रकट हुई कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पुष्ट हो गए। भागवत जी में केवल भक्ति की चर्चा है ऐसा नहीं है, न केवल ज्ञान की चर्चा है ऐसा नहीं है, न केवल वैराग्य की चर्चा ऐसा नहीं है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। भागवत जी की विशेषता है कि सभी मत, सभी संप्रदाय, सभी दर्शन यहां आके पुष्ट होते हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों पुष्ट हुए। इसके बाद धुंधकारी की जो कथा है, गोकर्ण जी की जो कथा है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेवः पुरेतस्मिन् सर्ववेद विशारदः, चारों वेद के ज्ञाता आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है। श्रौतस्मार्देषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः, श्रुतियों के भी ज्ञाता है, स्मृतियों के भी ज्ञाता है, कर्मकांड के भी जानकार है, और इतने तेजस्वी है कि दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते थे। द्वितीय इव भास्करः, भिक्षुको वित्तवान लोग के बहुत धनी थे, फिर भी भिक्षा मांगते थे, वृत्ति है कहते। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, उनकी पत्नी का नाम धुंधली, ये कैसी थी? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, अपनी ही बात मनवा लेने वाली, जिद्दी स्वभाव की, सुंदरी सुंदरी सुकुलोद्भवा, कृपणा कलह प्रिया। तो धुंधली और आत्मदेव ब्राह्मण पति पत्नी के रूप में रहते हैं। आधा जीवन व्यतीत हो गया लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत धनी थे तो अपने आधे से अधिक धन को तीर्थ यात्रा में और पूजा पाठ में, दान में खर्च कर दिया, व्यय कर दिया कि बेटा हो जाए, फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। स्वयं शास्त्रों के अच्छे जानकार थे, कर्मकांड के जानकार थे, बहुत प्रयास किया कि बेटा हो जाए, पूजा पाठ, दान, पुण्य, व्रत, उपवास सब किया, तीर्थ यात्रा की, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी चिंता थी कि बेटा नहीं, लेकिन धुंधली को चिंता नहीं थी, वो निश्चिंत थी। एक दिन पुत्र के अभाव में दुखी आत्मदेव जी वन चले गए, विचार अच्छा नहीं था, और वन में सन्यासी कश्चित आगतः, एक सन्यासी का दर्शन हुआ तो उनको देख करके ये रोने लग गए आत्मदेव। सन्यासी ने पूछा क्या बात है, तो कहा संतान के अभाव में दुखी हूँ महाराज, आप कृपा कर देते, कोई फल दे देते तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाती। सन्यासी ने कहा सुखी होना चाहते हो कि पुत्र चाहते हो? कब पुत्र होगा तो सुखी नहीं हो जाऊंगा, जितने पुत्रवान हैं सब सुखी हो गए संसार में, क्या दुखों का अंत हो गया? ब्राह्मण ने कहा दूसरों का तो नहीं जानता लेकिन मुझे पुत्र मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सन्यासी ने कहा अगर सुखी होना चाहते हो
तो चलो मेरे साथ तुम भी सन्यासी हो जाओ तो सुखी हो जाओगे। सन्यास में बहुत परम सुख है। ब्राह्मण ने कहा महाराज सोते कहाँ हैं आप, घर है कहीं? का घर तो नहीं है, कहीं भी सो जाते हैं, वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, किसी मंदिर में सो जाते हैं। अब भोजन कहाँ करते हैं? तो बोले भिक्षा मांगते हैं। तो न रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना है, और सन्यास आश्रम में न पत्नी का सुख है न पुत्र का सुख है न पौत्र का सुख है, तो ऐसे नीरस आश्रम में भला क्या सुख मिलता होगा आपको, तो आप ही जाने। मुझे तो गृहस्थ आश्रम ही अच्छा लगता है जो सरस है। बस एक बेटा दे दीजिए महाराज, बाकी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो उसके ललाट पर जो लिखा गया था, माथे पर जो लिखा गया था, उसको पढ़ा सन्यासी ने। पढ़ते तद्भाल अक्षर मालाम जो वाजयावास योगता है, उसको पढ़े योग बल से, तो पता चला कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वचन युजा, सात जन्म तक बेटे का योग नहीं है। अभी तो एक ही जन्म में व्याकुल हो रहा है। अब किसी को ऐसा कह दो कि सात जन्म तक बेटा नहीं होगा तो और दुखी हो जाए। तो कहा इसलिए कहा कि चलो ना सन्यासी हो जाओ सुखी हो जाओगे। कहा नहीं नहीं मुझे तो पुत्र पौत्र चाहिए। अतो हठे न युक्तो सी फलमेकम से दत्तवान, बहुत हट किया तो एक फल दे दिया, जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना तो वो गर्भवती हो जाएगी। फल लेके ब्राह्मण आ गए अपने घर। अब पत्न्याह पाणो फलम दत्वा स्वयं यातस्तु पुत्रचित, पत्नी के हाथों में फल दे दिया, कैसे खा लो तुम गर्भवती हो जाओगी, और स्वयं कहीं चले गए। पत्नी उस फल को हाथ में लेके आंगन में बैठ गई और जोर जोर से रोने लग गई, जैसे कोई विपत्ति आ गई। सखियां आ गई आस पड़ोस से, बात क्या है? कहा हमारे पति देव ये फल लेके आए हैं, हम उसको खा लो कह रहे इसलिए रो रहे हैं। तो इस फल में क्या, ये क्या जहरीला फल है, विषैला फल है, मर जाओगी? कहा नहीं नहीं बहुत मीठा फल है, तो रो क्यों रही हो? कहा इस फल का जो फल है उसे मैं पाना नहीं चाहती इसलिए रो रही हूँ, मुझे बेटी बेटा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो उस ब्राह्मण ने जब सन्यासी से फल मांगा तो सन्यासी ने कहा कुछ नियम है उसको निभाओगे, निभाएगी तुम्हारी पत्नी तो बेटा धर्मात्मा होगा। बेटा तो होगा लेकिन अगर नियम निभाओगी तो निभा लेगी तो धर्मात्मा होगा। तो क्या क्या नियम है? बोले सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम, पूरे 9 महीने सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो बेटा भी झूठ बोलने वाला हो जाएगा। और ये नियम केवल धुंधली के लिए था, ऐसा नहीं है, सभी गर्भवती माताओं के लिए। अच्छा 9 महीना भर झूठ ना बोले उसके बाद बोल सकते हैं। तो सत्य तो हमेशा ही बोलना है लेकिन गर्भावस्था में विशेष सावधानी के साथ ही सत्य बोलना है, कहीं झूठ ना निकले, नहीं तो बीज रूप में वो स्वभाव में आ जाएगा बच्चे के। सत्यम शौचम पवित्रता पूर्वक रहना, दानम कोई कुछ मांगने आए तो मना नहीं करना, और एक वक्तम तो भोजन, ऐसे कठिन नियम बता दिया। धुंधली ने फल खाया ही नहीं, रोने लगी, फल को गाय को खिला दिया। अब पति से झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया। अब सखियों ने कहा जब तुम गर्भवती नहीं होगी तो तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा क्योंकि ये फल तो अमोघ है। तो कहा मेरी बहन गर्भवती है उसी का बेटा होगा, तो मेरा बेटा हुआ है ऐसे मैं पति को दिखा दूंगी। तो एक दिन दिखाने की बात थोड़ी है, बेटा तो हमेशा साथ में रहेगा ना। तो कहा मेरी बहन को धन की आवश्यकता है, मैं थोड़ा बहुत उसको धन दे दूंगी तो वो बेटा को बेच देगा हमेशा के लिए। तो जो धन के लिए बेटा को बेच दे तो उसके पुत्र के संस्कार कैसे होंगे, यही सब पता चल जाएगा। अब धुंधली झूठ मूठ अलग कमरे में रहने लगी मैं गर्भवती हूं करके। इसने इतने कुतर्क किए हैं फल ना खाने के लिए, कहा फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, तो उसके दोष गिनाने लगी, उदर वृद्धि हो जाएगी, फिर कमजोर हो जाऊंगी, घर के काम नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे पति को तो मौका चाहिए, झट अपनी बहनों को उनके ससुराल से लिवा लाएंगे, अब उसको कहेंगे चाबी उसको दे दो और तुम आराम करो कमरे में, तो कैसे मैं 4-6 महीने के लिए चाबी और किसी को दे दो। फिर कहा अच्छा चलो 7-8 महीने 9-10 महीने गर्भ हो जाए तो उसके बाद
देवाद घाटी प्रजेत्रा में पलायित गर्भिणी कथम, गांव में आग लग जाए या चोर डाकू आ जाए, सब लोग अपने अपने प्राण बचा के भाग जाएंगे और मैं गर्भवती होने के कारण भाग नहीं पाऊंगी, मारी जाऊंगी। तो ऐसा सोचना ही क्यों, क्यों आग लगेगी, क्यों चोर डाकू आएंगे, लेकिन वो कुतर्क करने लगे। सखियों ने कहा, अरे हर बार आग थोड़ी लगेगी, हर बार कोई चोर डाकू थोड़ी आएगा। तो कहा सर चलो 9 महीना पूरा भी हो जाए तो प्रसव के समय भयंकर पीड़ा होती है, तो सुकुमारी कथम सहित मैं कैसे सहूंगी उसको, फिर कई प्रसूताओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो कहा सबकी मृत्यु नहीं होती, अच्छा चलो बच्चे का जन्म हो भी जाए तो उसके बाद भी दुख का अंत नहीं है, लालने पालने तो हुक्म, लालन पालन करना पड़ेगा, उसके मल मूत्र धोना पड़ेगा, उसको भोजन कराना पड़ेगा, उसको चलना सिखाओ, बोलना सिखाओ, फिर और सेवा करते रहो, तो ये सब मुझसे नहीं होगा। और मैं तो बिना पुत्र के ही बहुत सुखी हूं, इतना कुतर किया धुंधली ने, अब फल को नहीं खाया, झूठ बोल दिया। उसकी बहन जित थी वो 3 महीने से गर्भवती थी पहले से, फल खाने की घटना से 3 महीने पहले, तो 6 महीने बाद ही पुत्र का जन्म हो गया उसके। तो इसने अपने पति से कह दिया कि मेरा पुत्र हुआ है। पति ने कहा अभी तो 6 महीना ही हुआ है फल खाया। तो वो कहने लगी आप ही तो बता रहे थे ना हमारे 7 जन्म तक पुत्र का योग नहीं है, अब फिर भी वो महात्मा ने हमको बेटा दे दिया, तो जो इतना बड़ा काम कर सकते हैं वो 9 महीना का 6 महीना नहीं बना सकते, तो महात्मा का प्रसाद है इसलिए 6 महीने में ही जन्म हो गया। तो बोले थे मान गए आत्मदेव, नामकरण होने लगा। आत्मदेव चाहते थे आत्मदेव का बेटा है तो नाम ब्रह्मदेव रखे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली कहती है धुंधली का बेटा है धुंधकारी नाम होगा, नाम मात्र विशेषता, माता के नाम के अनुसार नाम रखेंगे, धुंधकारी नाम रखे। कुछ दिन बाद गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया गोकर्ण जी को, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी बहुत बड़ा पापी हुआ, दोनों बड़े हुए अपने अपने क्षेत्र में। इतना बड़ा पापी हुआ धुंधकारी, जब 5-6 साल का था तो दूसरों के बच्चों को कुएं में ढकेल दे, किसी के घर में आग लगा के भाग जाए, इतनी छोटी अवस्था से। अब वो बड़ा होकर 5-5 गणिकाओं को घर में ले आया, उसके पाप के कारण से आत्मदेव ब्राह्मण दुखी रहने लगे, सोचते थे वो सन्यासी के साथ ही चला गया होता तो सुखी रहता, पुत्र के फेर में कहां कहां पड़ गया। कुपुत्रो दुखदायक, फिर उन्होंने कहा कुपुत्र अति दुखदायक होता है, सुपुत्र पुत्र हो तो सुपुत्र हो तो ठीक, अन्यथा ना हो। आत्मदेव ब्राह्मण को एक दिन रोते देखा, सिसकते देखा, तो गोकर्ण जी ने उपदेश किया, देहे स्थिमान सरुधिरे विपतिं त्यजत्वं जाया सुतादि सुसदा ममतां विमुंच। का देह में और गेह में जो आसक्ति है ममता है उसका परित्याग कर दीजिए और वन में चले जाइए, अन्यासु दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां विभत्वं। दूसरों के गुण दोष की चिंता छोड़िए और निरंतर भगवत कथा रस का पान करते रहिए और वन में जाइए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए। पुत्र ने पिता को उपदेश किया तो गोकर्ण महाराज के उद्देश्य से आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए, 10वें पाठात 10वें स्कंद के पाठ नित्य करने लगे और उनको फिर सदगति की प्राप्ति हुई। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करने चल दिए, पिता की मृत्यु हो गई, माता धुंधली और पुत्र धुंधकारी बचे घर में। अब धुंधकारी जुआ खेलने के लिए मदिरा पीने के लिए रोज माता से धन मांगता, न मिले तो माता की ही पिटाई कर देता। अब धुंधली सोचने लगी अगर फल खा लिया होता तो गोकर्ण ही मेरा पुत्र होता, आज वृद्धावस्था में वो सहारा होता, सेवा करता, अब फल खाने से बची, 9 महीने के दुख से भागी और अब जीवन भर का दुख मैंने मोल ले लिया, लज्जित होकर के कुएं में गिर के मरी। अब माता पिता भाई सब दूर हो गए। धुंधकारी 5 गणिकाओं को पंच पण्य वधु, पण्य माने होता है धन और पण्य वधु माने गणिका,
उनको ले आए, घर में ही बसा लिया। अभी पांच घड़ी का क्या है, हमारे ही तो पांच इंद्रियां हैं, यही पांच घड़ी का है। अब इन्हीं को ही रिझाने में हम अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। धुंधारी जीव अब घड़िका में और व्याहता पत्नी में जो अंतर है, घड़िका को केवल धन से प्रेम है, तो जो भी धन चोरी करके कमा करके लाता इन घड़िकाओं को दे देता। अब घड़िकाएं सोचने लगी कि इसके पास बहुत धन है, हमको तो दे दिया इसे, पर जिस दिन पकड़ा जाएगा, घर की तलाशी होगी तो सब राजा लूट के ले जाएंगे, ये तो जेल चला जाएगा और हमारा फिर क्या होगा। तो इस दोष से छुटकारा मिल जाए, इसका धन हमारा हो जाए, तो गणिकाओं ने, पांच गणिका थी, ये शराब के नशे में आया कमरे में, तो गले में साड़ी का फंदा बना के डाल दिए। अब ये लेटा हुआ था, दो गणिका एक तरफ से खींचे, दो गणिका एक तरफ से खींचे, अब फिर भी ये नहीं मरा, छटपटाने लगा। अब कहीं ये उठ गया तो हम सबको मार देगा। तो एक गणिका जो बची हुई थी, दो दो गणिका खींच रही है साड़ी को, जो खड़ी थी उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लाके उसके मुंह में जीते जी रख दिया, तड़प करके फिर वो मरा। अब उसको, उसके शव को आंगन में ही गड्ढा खोद के गड़ा दिए, धन को बांट के पांचों घड़िका चली गई, न मरनी हुआ न पिंडदान हुआ। अब कर्म भी बहुत बुरा था, तो भयंकर प्रेत हुआ अपने घर में ही। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करते करते गया क्षेत्र में पहुंचे, तो इनके गांव के भी कुछ लोग गए थे, उन्होंने बताया कि आपके भाई माता पिता सब मर चुके हैं, तो उन सब के लिए गया में पिंडदान किया। अब हम लोग प्रेत मुक्ति के लिए सबसे बड़ा साधन गया श्राद्ध को मानते हैं, अब गया श्राद्ध हो जाए फिर पितरों को भी मानना लगभग बंद कर देते हैं, कुछ औपचारिकता भर निभाते हैं बाकी लगभग बंद। इसीलिए कहते हैं लोग गया में पिंड दान करने नहीं, पिंड छुड़ाने जाते हैं, और कुछ करना मत पड़े इसलिए भी जाते, बहुत जाते हैं गया में। तो विधि विधान से पिंड दान हुआ, और फिर भी जब ये वापिस आए तो धुंधकारी मुक्ति नहीं पाया था, प्रेत बन के सामने प्रकट हुआ और कहने लगा, अहम राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामतः, मैं आपका धुंधकारी नाम का भाई हूँ और प्रेत योनि में हूँ, मेरी मुक्ति के लिए प्रयास करिए। तो गोकर्ण महाराज भगवान सूर्य की सलाह पर भागवत कथा का आयोजन करते हैं, गोकर्ण जी कथा कहने लगे, गांव के सब लोग आके सुने। अब धुंधकारी वायु रूप में है, प्रेत है, कैसे स्थिर होकर सुने, तो उसने पंडाल बनाते समय एक बांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसके भीतर प्रवेश करके उसी को अपना एक स्थान बना लिया और टिक करके उसने कथा का श्रवण किया। 7 दिन की कथा हुई, 7वें दिन विमान आया और धुंधकारी दिव्य देह धारण करके वैकुंठ जाने लगा। गोकर्ण महाराज जी ने व्यासपीठ से ही पूछा, कथा सुन के धुंधकारी तर गया, अच्छी बात है, लेकिन गांव के लोग भी तो सुने हैं, इनको क्यों नहीं ले जा रहे, और जिसने कथा कही उसको भी छोड़ दिए, मुझको भी तो ले चलो। तो देवदूतों ने कहा, श्रवण भेद से फल भेद होता है, सुनने सुनने में अंतर होता है, तो कैसे सुने कि 7वें दिन विमान आ जाए। पहले तो कहा निर्जल प्रेत था, तो निर्जला श्रवण किया उसने, कुछ भी नहीं लिया, फलाहार तो दूर, भोजन तो दूर, बिल्कुल पानी भी नहीं पिया, तो ऐसे सुनेंगे तो विमान आ ही जाएगा 7 दिन में, वैसे भी अब गर्मी पड़ रही है, निर्जला सुनेंगे तो 7 दिन से पहले भी आ सकता है विमान। अब किसी यज्ञ को सफल कब माना जाएगा, जब 7वें दिन विमान आए और सब श्रोताओं को मुक्ति मिले, तभी तो सफल मानेंगे। तो गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और पहले धुंधकारी ही तरह, तो बाकी की मुक्ति क्यों नहीं हुई अन्य श्रोताओं की, तो कहा श्रवण भेद से फल भेद हुआ, तो कैसे सुनते हैं, तो विधि बताई गई कि ब्रह्मचर्य का पालन हो, भूमि शयन हो, उपवास हो, यदि उपवास न कर सके तो फलाहार थोड़ा बहुत ले, निराहार न रह सके तो, और भोजन में तो पहले तो कहा कि निर्जला पूरा बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए सुने,
इनका सम्भावनी तो जल पिए, फिर संभावना हो तो का फलाहार भी ले ले, फिर संभावना हो तो कहा दो तीन बार फलाहार ले ले, इतने इतने में भी सुनना संभावना हो तो एक बार भोजन भी कर ले, और इतने में भी संभावना हो तो चार पांच बार खा ले। छठे अध्याय में कहा लेकिन कथा सुनो, अब इतना भी भोजन ना करे कि यहाँ आके सो जाए, अधिक भोजन होगा तो नींद आएगी। तो कथा में सहायता के लिए है भोजन का जो नियम है, कथा में सहायता हो, हमको शरीर सताए नहीं, मलमूत्र का वेग हम कम से कम तीन घंटा चार घंटा रोक सके, और बिना निद्रा आलस्य के हम कथा श्रवण कर सके, तो ऐसा भोजन लेना है। लहसुन प्याज वर्जित है, गाजर मूली भी वर्जित है वैसे तो, लेकिन लहसुन प्याज विशेष रूप से वर्जित है। मसूर की दाल वर्जित है। पत्तल में भोजन करें, जमीन में सोएं, या लकड़ी के पलंग तखत आदि में सोएं, निवाण वाला वर्जित है, खटिया वर्जित है, रस्सी वाली, किसी की निंदा नहीं सुननी है पूर्ण होते होते तक, उसके बाद भले सुन लीजिएगा, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी है, ब्रह्मचर्य पालन होना है, जितना हो सके शांत रहें, जो कथा सुने श्रवण हो उसका मनन भी हो, और मनन हो उसके बाद कुछ निश्चय भी हो कि इसको हम जीवन में उतारेंगे, और निश्चय के बाद कुछ उतारे भी, केवल सोचते ही ना रह जाए, तो विशेष लाभ हो। तो पूरी विधि को जब बताया गया तो गोकर्ण महाराज जी ने दोबारा कथा कही, और गांव के सब लोग नियमों का पालन करते हुए सुने, और फिर बहुत बड़ा विमान आया, पूरे बस्ती भर को मुक्ति मिली। तो नियमों का पालन करके सुनेंगे तो अब यदि सातवें दिन विमान ना आया तो कहेंगे कथा में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो भगवान जी क्या करते हैं, किसी को जबरदस्ती मुक्ति नहीं देते, अभी तो बहुत से कर्तव्य शेष हैं जिनको निभाना है, समय अभी नहीं हुआ है। तो जो भागवत श्रवण करते हैं तो भागवत सुनने का फल अब उनके खाते में जमा रहता है, और जब समय आएगा संसार छोड़ने का तो उसी समय सदगति मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं कि तुरंत अभी ही ले जाएंगे जबरदस्ती, नहीं तो किसी कोई भी भागवत कराए ना तो लोग निमंत्रण पाते ही डरने लगते हैं, बढ़िया जी रहे थे, पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है हमसे, बुला लिया अब सातवें दिन कथा सुनेंगे और ऊपर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मुक्ति समय पर ही, और जब इच्छा हो तब, कोई सकाम हो तो भगवान उन भोगों को प्रदान करते हैं, निष्काम हो मुक्ति चाहिए तब मुक्ति प्रदान करते हैं, अपनी तरफ से भगवान जबरदस्ती नहीं करते। तो विधि से सबने कथा का श्रवण किया और सबको फल मिला, तो हम सब भी यथा संभव विधि का पालन करते हुए लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, साधारण नमक नहीं खाएंगे, सेंधा नमक सब्जी बने तो सबको ने वहां सुनने का फल मिल जाए, तो सब लोगों ने वहां सुनी, बढ़िया परीक्षित तो सुन ही रहे हैं, और बाकी सब सबको भी ने वहां सुनने का फल मिल जाए। तो चलिए एक संकीर्तन करते हैं, और जो कि रात्रि अधिक हो गई है, बाकी बात कल भी ले लेंगे, कथा का समय दो से छह। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण